नमस्कार, मैं हूं निम्मी और आपका स्वागत है बिहार आवर में। बढ़ते हैं बिहार की 25 अहम खबरों की ओर। कोरोना देश में, दुनिया में कल करीब 9 लाख नए मरीज मिले, इनमें से 3.86 लाख अकेले भारत में, हर पांचवी मौत भी हमारे यहाँ। देश में कोरोना से हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसका अंदाजा ऐसे लगाया कि दुनिया के नए मरीजों में से करीब 40-45% अकेले भारत में ही मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया में 8.92 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से अकेले भारत में 3.86 लाख मरीज मिले। महामारी से रोजाना हो रही मौतों में भी भारत टॉप पर है। बीते 24 घंटे में दुनिया में 15,142 लोगों ने जान गंवाई। इनमें से भारत में सबसे ज्यादा 3,501 मौतें हुई हैं। बीपीएससी 66वीं मेंस एग्जाम 2021 बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 66वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 10 मई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। आयोग ने कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई है। बीपीएससी 66वीं मुख्य परीक्षा 5 जून को होगी। राज्य में लॉकडाउन से 40 लाख नौकरियां जाने का खतरा। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रतिबंधों के चलते 80% दुकानें बंद है। वहीं जो बाकी की 80% खुली है, वहां भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ऐसे में रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आशंका जाहिर की गई कि अगर जल सरकार और रिजर्व बैंक मदद के लिए सामने नहीं आया तो सीधे तौर पर 40 लाख नौकरियां जाने का खतरा है। रिजर्व बैंक ने जल्द कदम उठाने की अपील। एसोसिएशन का आकलन है कि देश के रिटेल क्षेत्र में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। ये आशंका जताई गई कि अगर दिशा में सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ तुरंत कोई सहायता नहीं की गई तो 75,000 करोड़ रुपए का निवेश एनपीए हो सकता है। यही नहीं, इससे सीधे पूरे क्षेत्र में 30 लाख नौकरियां भी खतरे में आ जाएंगी और रिटेल क्षेत्र से प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर जुड़े दूसरे क्षेत्र में भी नौकरियां जानी शुरू हो जाएंगी, जिनमें से अकेले टेक्सटाइल क्षेत्र को ही 10 लाख नौकरियां जुड़ी हैं। कोरोना से बचाव की कवायद तेज। दूसरी लहर में बिहार में 10 गुना बड़ी आयुर्वेदिक औषधियों की मांग। बिहार समेत पूरे देश भर में कोरोना की दूसरी लहर में एक और लोग तेजी से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, तो दूसरी ओर इससे बचाव की कवायद तेज हो गई है। लोग कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का धड़ल्ले से उपयोग करने लगे हैं। यही कारण है कि आयुर्वेदिक काढ़ा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, च्यवनप्राश और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली अन्य औषधियों की मांग तेजी से बढ़ गई है। यहाँ तक कि कई आयुर्वेदिक दुकानों पर इन औषधियों की कमी भी हो गई है। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए न सिर्फ आम लोग बल्कि एलोपैथिक के कई विशेषज्ञ डॉक्टर भी आयुर्वेदिक काढ़ा व औषधियों के बारे में इसकी सलाह दे रहे हैं। बिहार में 1 मई से शुरू नहीं हो पाएगा थरापार का टीकाकरण। जाने कहां आ रही है दिक्कतें। बिहार में 18-44 साल के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान 1 मई से नहीं शुरू हो पाएगा। समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि 18 से अधिक उम्र वालों के लिए निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन वे सिर्फ टीकाकरण स्थान और समय का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। यहाँ टीका के उपलब्ध होने के बाद ही शुरू होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए आबादी के अनुसार टीका का कोटा तय करेगी। गुरुवार को केंद्र सरकार के साथ टीकाकरण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया, क्योंकि कई राज्यों ने एक साथ टीके के ऑर्डर दिए, इससे केंद्र सरकार ने टीके की आपूर्ति को लेकर आबादी के अनुसार प्राथमिकता तय करने का निर्णय लिया है। मैट्रिक और इंटर के फर्जी सर्टिफिकेट पर 8 साल से जॉब कर रहा था शिक्षक, केस दर्ज करने का आदेश। पटना जिले में एक बार फिर फर्जी नियोजित पकड़ में आया है। मामला प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर धंडुआ और प्राथमिक विद्यालय सिकरिया मसौड़ी का है। शिक्षक सुभाष कुमार नाम से 2 शिक्षक इन दोनों स्कूल में अलग अलग पंचायत शिक्षक के तौर पर नियुक्त थे। जब ईपीएफ योजना अंतर्गत यूएनए नंबर का मिलान किया गया तो दोनों शिक्षक का यूएनए नंबर समान पाया गया। दोनों ही शिक्षक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, टीईटी प्रमाण पत्र दोनों ही एक जैसा है। शक के आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जांच शुरू की गई। दोनों शिक्षकों से मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रवेश पत्र मांगा गया, लेकिन प्राथमिक विद्यालय मसौड़ी के शिक्षक सुभाष कुमार ने मैट्रिक और इंटर का फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया। जांच में सामने आया कि मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा अंकित कर्मचारी नहीं था, न ही प्रवेश पत्र पर प्राचार्य के हस्ताक्षर थे। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय मसौड़ी के शिक्षक सुभाष कुमार से जब मैट्रिक और इंटर का माइग्रेशन प्रमाण पत्र मांगा गया तो वे देने में समर्थ थे। लालू यादव रिलीज, जमानत के 12 दिनों बाद आजाद हुए लालू, जल्द पहुंचेंगे पटना, कैदी नंबर 3351 रिहा। चारा घोटाला के 4 मामलों के सजायता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जेल कस्टडी से रिहा कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट की ओर से जारी रिलीज आदेश को बिरसा मुंडा होटवार जेल रांची अथॉरिटी की ओर से एम्स नई दिल्ली भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि लालू प्रसाद यादव एम्स से कब निकलेंगे चिकित्सकों की सलाह के बाद ही निर्धारित होगा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव चारा घोटाले के दुमका कोषागार से जुड़े मामले में 19 मार्च 2018 से सजा काट रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 17 अप्रैल को ही दुमका वाले मामले में जमानत की सुविधा प्रदान कर दी थी। बिहार में कोरोना संक्रमण ने 24 घंटे में ली 79 लोगों की जान। कोरोना से अब तक 2,480 की जान गई। बिहार में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। गुरुवार को राज्य में 13,079 नए पॉजिटिव मिले। विगत 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 79 लोगों की जान भी चली गई। सुखद यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान
10,926 लोगों ने कोरोना पर विजय भी प्राप्त कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 24 घंटे के दौरान 80,972 कोरोना टेस्ट कराए गए। राज्य में 29 जिले में कोरोना के एक्टिव केस 1,821 हो गई है। इस महीने के प्रारंभ में राज्य के एक्टिव केस कुल 1,975 के करीब थे, लेकिन पिछले एक वर्ष में राज्य में 4.54 लाख कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 3.51 लाख से ज्यादा स्वस्थ भी हो चुके हैं। पूर्णिया में लोजपा के प्रदेश नेता का अपहरण, 10 लाख की मांगी फिरौती। जानकारी के अनुसार पूर्णिया कोर्ट स्टेशन निवासी लोजपा नेता अनिल उराव का अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने उनके स्वजनों को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। बताया जा रहा है गुरुवार दोपहर में अनिल उराव गायब था। अनिल उराव लोजपा आदिवासी प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। कटिहार के मनिहारी विधानसभा से वे लोजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। सज्जनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर अपराधियों तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रही है। बिहार के मुख्य सचिव का निधन, शहाबुद्दीन की तबीयत बिगड़ी। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। उन्हें 27 फरवरी 2021 को राज्य के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक जताया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की बेहद चिंताजनक स्थिति के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। बैठक के दौरान ही मुख्यमंत्री के राज्य में सबसे बड़े अधिकारी के निधन पर शोक जताया। इधर एक और बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की तबीयत बिगड़ गई है। बिहार के सरकारी व प्राइवेट अस्पताल मिलाकर 17,000 से 19,000 बेड खाली, असली दिक्कत तो यह भी। बिहार के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के कोविड मरीजों के लिए बेड की कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि इन अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड लगभग नहीं के बराबर है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी और प्राइवेट मिलाकर प्रदेश में जिन अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है वहाँ 11,855 के करीब बेड खाली है, लेकिन अधिकांश कोविड केयर सेंटर में सिर्फ बेड हैं। इन सभी पर ऑक्सीजन या फिर आईसीयू की कोई सुविधा नहीं है। 12 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को सरकार ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया है। गुरुवार को इन अस्पतालों में करीब 890 से ज्यादा बेड खाली थे, लेकिन आईसीयू और ऑक्सीजन वाले बेड की संख्या इसके अनुपात में नहीं के बराबर बताई जा रही है। नाइट कर्फ्यू इन बिहार, बिहार में नाइट कर्फ्यू तोड़ने पर 28 FIR, 50 गिरफ्तार। आज से और बढ़ेगी सख्ती। राजधानी पटना में तो पहले दिन से ही नाइट कर्फ्यू को लेकर पूरी सख्ती बढ़ती जा रही है। दूसरे शहरों और बाजारों में भी नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को सड़क पर उतारने की तैयारी है। कानून तोड़ने वालों पर प्राथमिकी और गिरफ्तार करने की कार्रवाई हो रही है। राज्य में 19 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू है, तब से कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर 28 FIR और 50 गिरफ्तारियां की गई है। वहीं पूरे अप्रैल माह में की बात करें तो 56 से अधिक प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें से 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 3.65 लाख का जुर्माना कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर वसूला गया है। बिहार के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश के आसार, 3 मई तक के लिए अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार 3 मई तक राज्य में मौसम इसी तरह बदलता रहेगा। 30 अप्रैल से 3 मई के बीच राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश और आंधी की संभावना जाहिर की गई है। यहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपके जिले में मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों में कैसा रहने वाला है। 1 मई के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजधानी में अधिकतम तापमान में गिरावट का मुख्य कारण है मध्य प्रदेश के पूर्व हिस्सों में चक्रवात बनना। वहाँ पर चक्रवात बनने से राज्य का मौसम सीधे प्रभावित हो रहा है। चक्रवात मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके तक के हिस्से को प्रभावित कर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस तरह की स्थिति आगे भी बनी रहने की उम्मीद है। गुरुवार को भी नवादा एवं जमुई में आंधी चलने के साथ बारिश हुई। प्रदेश में बदलते हुए मौसम का प्रभाव 3 मई तक जारी रहेगा। टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना को शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। रोहित सरदाना कोरोना संक्रमण से भी जूझ रहे थे। इससे पहले उनकी मां को भी कोरोना संक्रमित हुई थी। रोहित वेंटिलेटर पर थे और संक्रमण अधिक बताया जा रहा था। रोहित फिलहाल आज तक न्यूज में कार्यरत थे। इससे पहले वे लंबे समय तक जी न्यूज का हिस्सा थे। डॉक्टर शत्रुधर राम नहीं रहे, बिहार में टोटल नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट की शुरुआत की थी। वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। विख्यात हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शत्रुधर राम नहीं रहे। उन्हें जांच पे निमोनिया पाया गया। 21 अप्रैल को उन्हें हसाई हॉस्पिटल में, उसके बाद 29 अप्रैल को रूबन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज भी ले चुके थे। हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले क्लिनिक में लगातार मरीजों को देख रहे थे, ऑपरेशन भी करा रहे थे। वे मूल रूप से सहरसा के ग्वालपाड़ा के रहने वाले थे। बिहार में कैदियों को भी सुरक्षा का टीका, बेओर समेत तमाम जेलों में बंद 1000 अपराधियों के पहचान पत्र किए गए जमा, आज से लगेगी वैक्सीन। कुख्यात अपराधियों, नक्सली और दूसरे आपराधिक मामलों में बिहार के तमाम जेलों में बंद कैदियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। शुक्रवार को इसके लिए विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। जेल में कैदियों के वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार की तरफ से परमिशन पहले ही दे दी गई थी। पहले चरण की वैक्सीन की खेप सभी जेलों में पहुंच दी गई है। बिहार के जेल IG मिथिलेश मिश्र के अनुसार बेउर जेल समेत तमाम जेलों को मिलाकर 1000 कैदियों के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर केंद्र सरकार की तरफ से तय किए गए 5 पहचान पत्रों में से 1 जेल प्रशासन को उपलब्ध करा दिए गए हैं। नेपाल में हफ्ते भर के लॉकडाउन से परेशानी बढ़ी। रक्सौल ने वीरगंज बॉर्डर बंद, दुल्हा दुल्हन या भर्ती मरीज देखने की भी है छूट। दोनों तरफ के लोग फंसे।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेपाल सरकार ने देश में 29 अप्रैल से 5 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इसके बाद नेपाल की तरफ से भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। इस बाहर से सशस्त्र सुरक्षा बल परसा के AI ब्रेंद्र राज ने बताया कि नेपाल सरकार द्वारा गुरुवार की सुबह 4 बजे से आगामी 5 मई की सुबह तक 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। इसके दौरान भारतीय नागरिकों का नेपाल में प्रवेश वर्जित हो गया है। सिर्फ उन्हीं भारतीय नागरिकों को जाने दिया जाएगा जिनका नेपाल में विवाह के लिए होटल पहले से बुक है। नेपाल के अस्पताल में मरीज भर्ती है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सख्त हिदायतें। सोशल मीडिया पर शिकायतों को दबाए नहीं, निजी कंपनियों ये नहीं तय करेंगी कि किस राज्य में कितनी वैक्सीन मिलेगी। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गहरी चिंता जाहिर की है। अदालत ने उन शिकायतों के बारे में भी केंद्र को निर्देश दिया जो लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। अदालत ने कहा कि ऐसी शिकायतों को दबाया ना जाए। वैक्सीनेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे और केंद्र सरकार को निर्देश भी दिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा निजी मैन्युफैक्चरिंग ये तय नहीं करेंगे कि किसे और कितनी वैक्सीन दी जाएगी। इरला ने बीमा कंपनियों से कहा COVID-19 कैशलेस क्लेम कर 60 मिनट पर फैसला ले, मरीजों के डिस्चार्ज में देरी ना हो। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इड्डा ने COVID-19 कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर बड़ा फैसला किया है। इड्डा ने बीमा कंपनियों से कहा कि COVID-19 कैशलेस ट्रीटमेंट क्लेम पर फाइनल बिल बनने के बाद 60 मिनट के अंदर फैसला ले लिया जाए। इससे मरीजों के डिस्चार्ज में देरी नहीं होगी और अस्पताल का बेड इंतजार कर रहे दूसरे मरीजों को जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकेगा। जल्द से जल्द पूरी की जाएगी प्रक्रिया, इडा ने सभी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी होने और रसीद के जाने के बाद कंपनी 60 मिनट के अंदर क्लेम का इंतजार करने पर या नामंजूर करने की जानकारी नेटवर्क अस्पताल को दे। किशनगंज में 20 दिनों से जारी गजराज का आतंक। नेपाल के जंगल में आए हाथियों के झुंड ने घंतोला गांव में बचाया उत्पाद, 2 एकड़ में लगी फसल को किया बर्बाद। किशनगंज में जंगली हाथियों का उत्पाद पिछले 20 दिनों से जारी है। भारत नेपाल सीमा पर बसे दिगल बैंक के सीमावर्ती इलाकों के किसान अपनी फसल को देख आतंकित है। हाथियों का झुंड हर दिन मक्का और गर्मा धान की फसल को चरता है, कुचलता है, जिससे किसान बेबस और परेशान है। गुरुवार देर रात हाथियों का झुंड निर्माणाधीन भारत नेपाल सीमा को पार करते हुए धंतोला गांव में प्रवेश किया। हाथियों के उत्पात में गांव में अफरा तफरी मच गई। किसान करीब 2 एकड़ में लगे फसल की क्षति होने की आशंका जता रहे हैं। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची। टीम ने खेत में पटाखों और अलाव जलाकर किसी तरह हाथियों के झुंड को गांव से दूर भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना क्राइसिस सुप्रीम आदेश, सोशल मीडिया पर बैड ऑक्सीजन की शिकायत गलत नहीं, ऐसे पोस्ट पर ना हो कोई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है। अगर कार्रवाई के दौरान ऐसी शिकायतों पर विचार किया जा सकता है तो हमें इसे अदालत की अवमानना मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य के DGP का आदेश देते हुए अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की गई तो अवमानना का मामला चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दवाइयों का प्रोडक्शन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। रेमडेसिविर की नहीं होगी किल्लत, अन्य देशों से आया शुरू। 75,000 शीशियों की पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। देश में कोरोना से सभी परेशान है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी भी लगातार देश में बनी हुई है। इतना ही नहीं, पिछले कई दिनों से इसकी कालाबाजारी भी खबरों में सुनने को मिल रही है। भारत सरकार ने देश में रेमडेसिविर की कमी को दूर करने के लिए अन्य देशों से महत्वपूर्ण दवा रेमडेसिविर का आयात करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने बताया कि 75,000 शीशियां पहली खेप आज भारत पहुंचेगी। बंगाल एग्जिट पोल रिजल्ट, TMC को अधिकतम 185 तो BJP को 192 सीट, एक दर्जन सर्वे से समझे बंगाल में किसकी सरकार। बंगाल चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, एक दर्जन एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, सबके अलग अलग परिणाम है। एक सर्वे में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 185 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो एक और सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 192 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। किसी भी सर्वे में संयुक्त मोर्चे को 20 से अधिक सीटें नहीं दी गई है। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे में तृणमूल कांग्रेस और बिमल गुरुंग की पार्टी गोरखालैंड जनमुक्ति योजना मोर्चा के गठबंधन को 158 सीटें दी गई है, तो भाजपा आजसू गठबंधन को 115, माकपा नीत गठबंधन से एक मोर्चा को 19 और अन्य को 0 सीटें दी गई है। CNX रिपब्लिक के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की पार्टी को 133 सीटें दी गई है, तो भाजपा को 143, माकपा और उसके सहयोगी दलों को 16 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पीप मार्क के एग्जिट पोल में तृणमूल कांग्रेस 158 सीट जीत रही है, तो भाजपा 120 और संयुक्त मोर्चा 140 सीटें, अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं आ रही है। ETG रिसर्च के एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 196 सीटें मिल रही हैं, जबकि भाजपा को 110, संयुक्त मोर्चा को 13 और अन्य को 0 की बात। ममता बनर्जी की पार्टी को 112 सीटें दी गई है, जबकि भाजपा को 174, संयुक्त मोर्चा को 6 और अन्य को 0। देश और दुनिया के इतिहास में 1 मई देश और दुनिया के इतिहास में 30 अप्रैल कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें ओसामा बिन लादेन के मारे जाने की घोषणा और 1886 में अमेरिका के शिकागो में श्रमिकों का प्रदर्शन शामिल है। 1840 में यूनाइटेड किंगडम ने पहला आधिकारिक डाक टिकट जारी किया था। 1886 में अमेरिका के शिकागो में रोजाना 8 घंटे काम करने की मांग कर रहे श्रमिकों ने हड़ताल की। तब से पूरी दुनिया में 1 मई को श्रमिकों के अधिकारों के लिए रैली और प्रदर्शनों का सिलसिला जारी चलने लगा। 1914 में कार निर्माता फोर्ड की पहली कंपनी बनी जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू किया। 1923 भारत में मई दिवस मनाने की शुरुआत सन 1923 में चेन्नई में हुई। इससे पहले भारत के
80 देश ऐसे थे जहाँ 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1960 में महाराष्ट्र को राज्य घोषित किया गया था। 1923 में भारत में मई दिवस मनाने की शुरुआत सन 1923 में चेन्नई से हुई थी। इससे पहले भारत के 80 देश ऐसे थे जहाँ 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था। 2009 स्वीडन में समान सेक्स मैरिज को कानूनी तौर पर वैध घोषित किया गया था। DGCA गाइडलाइंस, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर 31 मई तक बढ़ाया प्रतिबंध। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने आधिकारिक नोटिस जारी कर अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर प्रतिबंध 31 मई तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध मार्च 2020 से लागू है। हालांकि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशन और विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों के लिए लागू नहीं होगा। जारी नोटिस में कहा गया कि दिनांक 26 जून 2020 के आंशिक संशोधन में सक्षम अधिकारी ने इस विषय पर जारी नोटिस की वैधता को 31 मई 2021 तक बढ़ाया है। ये प्रतिबंध विशेष रूप से DGCA द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों को चयनित मार्गों पर चलने की अनुमति दी जा सकती है।